आज E24 पर मेरे साथ एक ऐसे एक्टर मौजूद हैं जो अपनी फिल्मों में आपको रियल कंटेंट ज़्यादा दिखाते हैं। मेरे साथ हैं राजकुमार राव, बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू। सबसे पहले राजकुमार, जानना चाहूँगी गुड़गांव आए अपने होम टाउन, कैसा लग रहा है वापस आके? बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफकोर्स मेरा शहर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ और यहाँ का खाना, यहाँ की आबो हवा हमेशा मुझे बहुत पसंद आती है। फिल्म की बात करूँ जजमेंटल है क्या के लिए, पहले इसकी रिलीज डेट को लेकर थोड़ी परेशानी हुई, फिर इसके टाइटल को लेकर परेशानी हुई, चेंज किया गया टाइटल। मैं जानना चाहूँगी आपको कैसा लगा कि क्या ज़रूरत थी इस चीज़ की? हाँ, अगर मतलब मेकर्स को लगता है कि हमें टाइटल चेंज करना चाहिए और वो एसोसिएशन जो है हमारी साइकेट्रिक एसोसिएशन, उनको लगता है कि इट माइट हैव एन यू नो नेगेटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, देन व्हाई नॉट, आई थिंक एक टाइटल की बात है तो चेंज हो सकता है। जैसे आपकी फिल्मी ग्राफ को अगर मैं देखूँ हर बार बढ़ता ही जा रहा है, इस बार जैसे आपने जजमेंटल है क्या में केशव का रोल प्ले कर रहे हैं, इस रोल में ऐसा क्या खास था कि आपने इसको चुना? इससे पहले मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, इससे पहले मैंने थ्रिलर जॉनर को एक्सप्लोर नहीं किया है और ऐसा कैरेक्टर नहीं किया है जो हमेशा पूरी फिल्म में आपको लगता रहे कि क्या ये सच बोल रहे हैं कि क्या ये झूठ बोल रहे हैं, तो वो जो एक कैट एंड माउस का जो चेज होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग था इस फिल्म के लिए। इसीलिए राज क्या देखते हैं फिल्म चूज़ करते समय, एक पावरफुल किरदार या पावरफुल कहानी? कहानी सबसे पहले, उसके बाद किरदार कितना इम्पोर्टेंट है उसमें सबसे पहले पर, लेकिन कहानी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो आपके लिए जजमेंटल कभी ऐसा हुआ है रियल लाइफ में कि किसी ने आपको ऐसा लगा हो कि ये बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहा है? हाँ, आई एम श्योर लोग हैं जो हर बात पे कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं और अपनी जजमेंट पास करते हैं। सोशल मीडिया पे कभी आपके साथ किसी ने ऐसा किया हो या किसी ने यूज़र ने ऐसा कुछ बोला जो आपको लग रहा हो कि एक बार पहले समझ लो, कुछ पता कर लो, बिना जाने बूझे लोग ऐसे? वो तो बहुत बार होता है, आई थिंक हमारे सिनेमा फिल्म्स में तो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है कि बिना फिल्म देखे ही लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और कि ये है वो है, आई थिंक दे शुड कम एंड वॉच द फिल्म, उसके बाद जजमेंट पास करो। नेक्स्ट आपकी मेड इन चाइना आ रही है, क्या बताना चाहेंगे फैंस को, ऑडियंस को? मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए और इस साल ही आ रही है, जल्दी आ रही है और यू वेट एंड वॉच द ट्रेलर, आई एम श्योर यू विल आल्सो बी इक्वली एक्साइटेड। थैंक यू राज, हमसे बात करेंगे। थैंक यू। कैमरा पर्सन अभय के साथ सोनाली भदौरिया, E24 दिल्ली।